आज आपके साथ बहुत आसान इजी क्विक रेसिपी साल्सा रैप 3 to 4 पर्सन के लिए बहुत आसान है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह इसको बनाते हैं। तो रेड सॉस बनाएंगे उसके लिए। मुझे प्रिपरेशन के लिए पहले 2 से 3 टीस्पून ऑयल, 1 गार्लिक, 1.5 कप जो है वो ऑनियन लिया, और इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे इनका कलर जब तक ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके बाद इसमें 2 कप टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करेंगे, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, शुगर 1.5 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, विनीगर 1 टीस्पून, और इसको 5 से 7 मिनट मीडियम हीट पे जो है वो हम कुक करेंगे। और 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और साथ में डालेंगे धनिया, सब्ज़ धनिया बहुत थोड़ा सा, और मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये हमारी हो गई रेड सॉस तैयार। तो अब हम बनाते हैं गार्लिक सॉस। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप मायोनीस, 1 कप 1/2 कप क्रीम, 1.25 कप जो है वो मिल्क लिया है, और 1 मैंने गार्लिक लिया है, और सॉल्ट 1.5, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, लेमन जूस 1.5 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी गार्लिक सॉस जो है वो भी तैयार हो गई। इसके साथ अब मैंने लिए हैं साल्सा प्रिपरेशन। उसके लिए टमाटर लिए हैं 1 कप, 1 कप प्याज लिया है, 1 कप ग्रीन चिलीज ली है, 1.5 कप ग्रीन चिलीज, और 2 टीस्पून लेमन जूस, 1.5 टीस्पून नमक और काली मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और इसमें साथ ही 1 कप ग्रीन कोरिएंडर भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा साल्सा भी रेडी हो गया। तो अब मैंने लिए हैं K&N के थंडर फिलेट, और इसके 2 पीसेस लूँगी, और ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया था। इसके अंदर मैं इनको जो है वो तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, और जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको इसमें से निकाल लूँगी। और ये हो गए हैं, और अब मैं इनको निकालने के बाद अब मैंने इनको स्ट्रिप्स में कट करूँगी, लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करूँगी। तो ये 3 से 4 लोग के लिए आसानी से आप बना सकते हैं। और साथ ही मैंने ली रोटी ले लें या टोटेला ले लें आप, तो उसके अंदर मैंने जो गार्लिक सॉस प्रिपेयर की थी तो वो लगाई है, और साथ ही मैं इसके जो है वो इसको रैप कर दिया। अब मैंने अच्छे से ओवन की ट्रे ली है और मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया, और ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ है और वो प्री हीटेड है। तो ये मैंने आपके सामने 3 रैप्स जो हैं वो उनके ऊपर रख दी हैं और इसके ऊपर रख दी हैं। तो अब मैं इसके ऊपर रेड सॉस जो कि मैंने अभी तैयार की थी तो वो लगाऊंगी, और साथ ही मैं इसमें मोज़रेला और चेदर चीज़ दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ, जितना आपको ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा अच्छे पसंद करते हो ज़्यादा डालें, और इसको ओवन में तब तक रखेंगे जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता, और चीज़ जैसे ही मेल्ट होता है तो उसको बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर साल्सा डालेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आपको आसानी मिल सके।